हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो, तो आज मैं आपके साथ रिव्यू वीडियो शेयर करूँगी। तो आज मैं मामाअर्थ का रेडी टू यूज़ हिना पैक का रिव्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। मे बी आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे, बट मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अलग रहा है, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। एंड गाइस, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ना ही कोई मैं इसका पेड प्रमोशन कर रही हूँ। जो भी इसका रियल रिजल्ट होगा, कोई भी फेक रिजल्ट नहीं शेयर करूँगी, जो भी इसका एक्चुअल रिजल्ट है वही शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से एंड झटपट से रिव्यू देते हैं। सो गाइस, ये है मामाअर्थ का रेडी टू यूज़ हीना पैक, जो कि आपको 200 ग्राम का पैक है 249 रुपीज़ में अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नायका में इजिली मिल जाएगा। आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये है डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड 100% नेचुरल एंड ये आपको 1 ईयर की सेल्फ लाइफ देते हैं, वो भी विदाउट केमिकल। आई डोंट नो कैसे, क्योंकि विदाउट केमिकल तो आप इसको नहीं प्रिजर्व कर सकते 1 ईयर के लिए। एंड इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है डार्क रोस्ट कॉफ़ी, रीठा सीकाकाई, मंजिस्ठा, मेथी, इंडिगो जैसे पावरफुल इंग्रेडिएंट, जो कि आपके बालों को अच्छी तरीके से कलर देते हैं। एंड गाइस, इसमें केमिकल्स भी अच्छी तरीके दिख जाएंगे, केमिकल की लिस्ट भी मिल जाएगी, तो ये 100% नेचुरल नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की ओर। तो ये काफ़ी थिक है, आप चाहे तो इसमें पानी ऐड कर दें। एंड क्वांटिटी की बात करें तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो पूरे बालों पे तो नहीं आ पाएगा, सिर्फ रूट टचअप ही हो पाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक थी, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया जैसा ये है। एंड गाइस, इसको यूज़ करने से पहले मैंने अपने हाथों पे अच्छी तरीके से ग्लव्स वगैरह पहन लिया, क्योंकि मुझे हाथ से ही लगाने की आदत है। मुझे लगा हाथों पे वो हीना वाला कलर ऑरेंज या ब्राउन कलर आ जाएगा, इसलिए मैंने ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छी तरीके से बालों पे लगाना शुरू किया। एंड जो मेरे बालों की पहले कंडीशन थी, देख लीजिए मेरे काफ़ी कम वाइट हेयर है, मुझे इनको छुपाना था, तो मैं सोची कि इसको यूज़ करते हैं, कलर से अच्छा है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो जो मेरे बालों की पहले, मुझे देख लीजिए ऐसे थे, वाइट है थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मैंने इसको अच्छी तरीके से लगाया एंड ये मेरे पूरे बालों पे तो नहीं आ पाया, एक तरह से सिर्फ रूट टचअप ही हुआ मेरे बालों पे। तो इसको मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे रखा, उसके बाद नॉर्मल पानी से धुला। एंड जो धुलने के बाद रिजल्ट था वो कुछ ऐसा था, इसने मेरे बालों पे ना तो मेहंदी वाला कलर ऑरेंज दिया, ना ब्राउन दिया, कोई भी कलर नहीं था मेरे बालों पे, कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसा ही ना है कि इसने कलर ही नहीं दिया बालों पे। एंड जो हम घर पे घोल के बनाते हैं, रात में भिगो के रखते हैं, उसका कलर मेरे बालों में काफ़ी अच्छा आता है, बट इसका कुछ भी नहीं था। इसके बाद मैंने जैसे मेहंदी लगाने के बाद ऑयलिंग वगैरह करते हैं, नेक्स्ट डे शैम्पू करते हैं, ठीक वैसे ही मैंने भी किया। इसके बाद मुझे बस इसका प्लस पॉइंट यही लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे और भी अच्छे इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी स्मूथ सिल्की शाइनी हो गए थे। कलर की बात करें तो कलर तो इसने बिल्कुल भी नहीं दिया, बस इसने स्मूथ बनाया बालों को, शाइनी बनाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। बस यही था इसका रिव्यू। मुझे लगा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, सब में सब अच्छा ही अच्छा बोल रहे थे, मुझे लगा यार इसके जो माइनस पॉइंट है मुझे शेयर करना चाहिए। दैट्स इट गाइज, अगर आप 249 का पैकेट हिना का ला के घर पे यूज़ करते हैं, उसके रिज़ल्ट आपको इससे बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर मे भी आपके लिए ये वर्क करे, बट मेरे लिए इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय।